वेलकम बैक टू माय चैनल किंग विथ अनुभव। आज हम बनाने वाले हैं करेला की कलौंजी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हमने भिंडी ली है, लहसुन लिए हैं, यहाँ पे हमने दो कैरी है जो उनको छील के ले लिया है, और यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, और हमने करेला को अच्छे से धुलकर साफ कर लिया और इसमें चीरा भी लगा दिया है। इसका हमने छिलका नहीं उतारा है, ये बिल्कुल हमारे फ्रेश करेले हैं। इसकी कलौंजी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और ये तीखा तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। चलिए देखिए बनाते हैं इसको कैसे बनाना है। देखिए हमने सारे करेला में चीरा लगा लिया और बिल्कुल फ्रेश करेले हैं। उसको हमने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। इससे क्या होता है, जिसमें करेले में जितनी भी डस्ट रहती है ना वो सारी हट जाती है। उसके बाद अच्छे से रगड़ के हमने इसको धुल लिया है। यहाँ पर हमने भिंडियों को भी अच्छे से धुल लिया, भिंडी भी हमारी बिल्कुल फ्रेश है। और चलिए हम इनको बनाते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी बनकर तैयार होने वाली है ये कलौंजी। यहाँ पे हमने सारे मसालों को पीस लिया है। यहाँ पे जो हमने धनिया और सौंफ लिया था ना, उसको हमने हल्का भूनने के बाद इसको पाउडर इसका बना लिया। उसके बाद इसमें हमने प्याज, लहसुन और कैरी लिया है, उसको भी पीस लिए हैं, मसाला तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे हमने भिंडियों को देखिए पीछे वाला भाग निकाल दिया है और हल्के से इसमें भी कट लगा दिए हैं। मसाला हमारे भूनकर तैयार हो गया है। और चलिए हम देख सकते हैं करेले में को, हम देखिए हमारा करेला बिल्कुल ही फ्रेश है, ताज़े करेले हैं। उसके बाद हम इसमें मसाले को फिल कर लेंगे। मसाले को फिल करने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल इसमें हमें हल्का हल्का मसाला फिल करना है और मसाला हमें इसमें बचा लेना है। और ये जो हमने आम की गुठलियाँ ली हैं, इसको भी हमें फेंकना नहीं है, इसका भी हम यूज कर लेंगे। और देखिए हमने बिल्कुल हल्का हल्का से इसमें मसाला ऐड किया है और हम अभी हमने मसाले को बचा भी लिया है। देखिए ये हमारा मसाला बचा हुआ, अभी इसको हम बाद में यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सब्जियों में वैसे भी हम मस्टर्ड ऑयल का यूज ही करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अब चलिए हम इसमें सारे करेलों को ऐड कर देंगे। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो जाए। इसके बाद हमने सारे करेलों को इसमें डाल दिया है। धीरे धीरे सारे करेलों को हम इसमें ऐड कर देंगे। और जो हमारा मसाला बचा हुआ है और वो भिंडी और कैरी का जो बीज है ना, उसको हम अभी नहीं ऐड करेंगे। अब इसको हम कुछ देर के लिए कुक कर लें। देखिए हमारे एक तरफ से थोड़े थोड़े कुक हो गए हैं, हम इनको पलट दे रहे हैं थोड़े से धीरे धीरे। सारे करेलों को हमने पलट दिया, उसके बाद फिर से हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए 80% तक हमारे करेले कुक हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे भिंडियाँ। भिंडियों को हमने ऐड कर दी, इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही ढकेंगे नहीं, ऐसे ही चला ले रहे हैं, भिंडी हमारी गल जाएंगी अगर इसको हम ढक देंगे तो। और जो हमने मसाला बचा के रखा था ना, उसको हमने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि मसाला जो ऊपर से करेले में लगेगा ना, उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है और ऊपर से भी अच्छा आएगा जो इसमें मसाला लग जाएगा करेले में, क्योंकि हमारा जो अंदर मसाला भरा हुआ वो एक भी ऑयल में बाहर नहीं निकल कर आया है। और जो हमने आम की गुठलियाँ रखी थी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, वो भी कुक हो जाएंगी और उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए